सर जिनके पास से काफ़ी मात्रा में बाइकें बरामद की, ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि हमारी थाना सिविल लाइन की टीम ने जो हाल ही के दिनों में जो मोटरसाइकिल चोरी की जो घटना बढ़ गई थी, उसी के संदर्भ में जो हमारी टीम लगी हुई थी सिविल लाइन की, उन्होंने आज सफलता प्राप्त की है, जिसमें इन्होंने 3 जो मोटरसाइकिल चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और 2 इनके साथी हैं उनकी भी जानकारी मिल गई है, वो अभी गिरफ्तार होने शेष हैं, वो अभी भागे हुए हैं, उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इनके पास से हमें 16 बाइक जो बरामद हुई है, जो इनकी निशानदेही पे हमने बरामद की है, 4 का जो मुकदमा है वो सिविल लाइन में पंजीकृत है और जो बाकी जो चोरी की बाइक है उनकी हम जानकारी कर रहे हैं कहाँ से ये चोरी हुई थी और कहाँ मुकदमा पंजीकृत है। और इसमें जो तीनों जो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, तीनों सरधना मेरठ के रहने वाले हैं, अल्कित, विपिन और सूरज। विपिन पहले भी मोटरसाइकिल चोरी में जेल गया है बुढ़ाना से, यहाँ मुजफ्फरनगर से और मेरठ से भी, और जो बाकी 2 लोग हैं उनकी भी हम क्रिमिनल हिस्ट्री अभी जानकारी कर रहे हैं कि इनका क्या पुराना आपराधिक इतिहास है। और इसमें जो चोरी हुई बाइक जो बरामद हुई है उसमें एक जो यहाँ लोकल जो पत्रकार थे उनकी एक बाइक बरामद हुई है और साथ में कुछ दिन पहले एक अमेज़ॉन डिलीवरी वाला जो एक लड़का था उसकी एक बाइक चोरी हुई थी, उसकी बाइक के साथ साथ जो डिलीवरी होने वाला जो सामान था, जो 2 मोबाइल थे, वो भी बरामद किए हैं। और हम इसकी और जानकारी कर रहे हैं कि ये लोग इस बाइक का क्या करते थे, मतलब कहीं बेच देते थे क्या, कटवा देते थे, तो उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये आया है कि जो लोकल गांव-गांव में ये लोग उसका इंजन नंबर वगैरह चेंज करके मोबाइल मोटरसाइकिल बेच देते थे 5-7 हज़ार। सर कैसे चोरी करते सर, ये चाबी थी क्या? क्योंकि ये जनरली स्प्लेंडर वगैरह चोरी करते थे, जो एक चाबी स्प्लेंडर में, ये हाल ही में देखा भी जाता है कि जो पुरानी जो बाइक हो जाती है उसमें कोई भी चाबी लगा के ये उसको चला करते थे। चोरी ये जो भीड़ वाले जो स्थल होते थे कि जैसे हो गया रेलवे स्टेशन हो गया या हॉस्पिटल वाली पार्किंग हो गई, वहाँ खड़ी करते थे, तो जब पुलिस चेकिंग समाप्त हो जाती थी तो ये वहाँ से बाइक ले जाते थे। ठीक है।